राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, हिंदू हितों का जय श्री राम, जय श्री राम। हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा। जी को जो निर्मम हत्या करके मार दिया गया, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये जो आतंकवाद फैला रखा है इन कट्टरपंथियों ने, इसको बंद करें। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बनकर रहना होगा। ऐसा काम करना है तो यहाँ से निकल जाइए, यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। जिस थाली में खाते हैं उसी में शेद करते हैं ये। आज तो हमने एक छोटा सा प्रदर्शन किया है, अगर ऐसा ही काम होता रहा तो उससे भी उग्र प्रदर्शन करके दिखाएंगे आप लोग। राजस्थान में हुई है, बड़ी सोच समझ के जो उन्होंने वो कत्ल किया है। मैं सभी अपने हिंदू समाज, हिंदू युवा को जो कहना चाहता हूँ कि अब इकट्ठे होने की बारी आ गई है, सब लोग इकट्ठे हो जाओ। जैसे कि उन्होंने एक सोची समझ शादी के किलिंग की, तेज हथियारों से वो उनका कत्ल किया गया। मैं इन सभी उल्ला मुल्ला जो जितने भी मुस्लिम हैं यहाँ के और पाकिस्तान के, इनको तालिबान को जो बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा इन्होंने करना है तो फिर आमने सामने आके हमारे से लड़ाई करना चाहते हो तो कर ले। वो अब हिंदू भी चुप रहने वाला नहीं है। जय श्री राम। हाँ सर, ये उदयपुर में जो अभी दो तीन दिन पहले जो घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की है उसके लिए शब्द बहुत कम है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो हमारा हिंदुस्तान 75 साल हो गया आज़ाद हुए, इस तरीके का कभी भी वारदात नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा निंदनीय बात ये है कि जहाँ जो सरकार राज कर रही है उसके जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर जो है, वो ये जान देते हैं कि ये एक मर्डर है। मर्डर और इस तरीके की हत्या में बहुत अंतर है। ये एक तरीके की सोची समझी साजिश है और उसके मुताबिक ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये हमें बताता है, हमें चैलेंज करता है पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को कि अगर किसी भी आदमी ने, किसी भी हिंदू ने हमारे उसको अगर हमारे जो धर्म पर अगर किसी ने इस तरीके का बयान दिया तो हम उसको इस तरीके से स्लॉटर करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम सबसे ज़्यादा तो जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसको ये हम कहते हैं कि जल्द से जल्द उसको जो जिन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है उसको फांसी की सज़ा तो क्या, उससे भी जो ज़्यादा ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जो हिंदुस्तान में एक सभ्य समाज में जिसकी कि एक मिसाल कायम हो जाए। आइंदा के लिए कोई भी इस तरीके का आतंकवाद की जो घटना है वो इस तरीके से ना घटे। ज्ञान सिंह पठानिया, जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट टू वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज चेयरमैन एक्सल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, ये जो हमारा कन्हैया कुमार का जो मर्डर हुआ है, ये इसको कोई साधारण बात नहीं हुई है। हमें सभी को, नौजवानों को, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि इस किस्म की घटना जो घटी है इसमें कहीं ना कहीं कोई लैप्स हुई है। पहली लैप्स तो उदयपुर में राजस्थान की गवर्नमेंट के माध्यम से हुई है कि जिनको उस व्यक्ति ने, उस कन्हैया कुमार ने खुद बताया, अवगत कराया, रिपोर्ट कराई कि मुझे एक मैसेज मिला है, मुझे थ्रेट दिया गया है, लेकिन नो एक्शन वाज टेकन बाय द पुलिस। ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत है। इसमें मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के, उस गवर्नमेंट के तार भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर एक व्यक्ति
जिस किस्म की बात बताता है कि मेरे ऊपर ये बात होने वाली है, तो अगर कोई एक्शन पुलिस के माध्यम से नहीं होता तो मैं कहता हूँ उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि वो लोग उसमें मुलव्वस नहीं है। तो ये बहुत बुरा हुआ है हमारे लोगों के लिए, ये एक समझने की वजह, जैसे हमारे मनोज सिंह या मेरे अक्षर सैन के अध्यक्ष ने बोला है, आज का जो प्रोसेशन है वो तो हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू इनके माध्यम से रखा गया है। हम यही समझाते हैं बच्चों को कि कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिसमें कोई उद्दंडता नहीं बरतनी है, कोई उत्पात नहीं करना है। लेकिन कब तक हम रुकेंगे, कब तक हम इस बात को सोचते रहेंगे? हमारे शास्त्रों ने तो लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, लेकिन कब तक हम ये बात अपने मन में रखेंगे, हम ये सोचते रहेंगे? और वो लोग इस किस्म का निर्भय हत्या जो उस व्यक्ति की हुई है, जो एक बेचारा बैठा अपने दुकान में बैठा हुआ है, जो गरीब व्यक्ति जो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता था, उसको किस तरीके से मारा गया? क्या हमारी आत्माएं नहीं जागेंगी? क्या आप लोग सोए रहोगे हिंदू अपने घरों में? आपको जागना पड़ेगा। नहीं जागो तो मैं अपनी इस उम्र 83-84 साल वाला आपको बता रहा हूँ कि आपको जागना पड़ेगा। ये बात जो है क्या हुआ है हमारे ऊपर हुआ है, हमें मामला किया। तो मेरी सभी बंधुओं को मीडिया के माध्यम से मेरी जहाँ पर भी आवाज आती है, मैं विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि इस वक्त इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे हो, उत्पात भी मत करिए, उत्पात मत करिए। लेकिन ये भी नहीं है कि हम ये कहेंगे, वो कहते हैं 15 दिन में ये कर देंगे। मैं कहता हूँ मुझे दे ना आप 15 दिन, हैं हम भी बात को कर सकते हैं, लेकिन हम एक हिंदुस्तान के वासी हैं, हम इस माँ भारती के सबूत हैं, जिसने हमें एक ही माँ भारती का आदेश है हमारे ऊपर, हमारे शास्त्र जो हमारे जो भी वो है यही बताते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम बताते हैं, और यही बताते हैं कि हर मेरी इस बात को आज सुनते हैं, इस 83-84 साल की उम्र वाले की बात को सुनते हैं, इकट्ठे हो जाओ। हम किसी को कहने वाले नहीं हैं, लेकिन संघ शक्ति कल युग में ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोग इकट्ठे हैं। अगर हम संघ शक्ति कल युग का मंत्र नहीं लेंगे तो मैं कहता हूँ हमें बहुत बहुत भुगतना पड़ेगा, जैसे देश इस पर भुगतना।